press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण भाग का कारक भाग कराने जा रही हूँ, जिसे आप अंग्रेजी में केस। कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके कितने भेद हैं, ये सब हम एक एक करके जानेंगे। और आपके लिए ये जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। व्याकरण में आपको कारक चिन्हों की पहचान यदि हो गई तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। वो कारक, समास, शब्दों के भेद, ये सब क्या है व्याकरण में आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। यानी आप सबसे पहले मैं आपको आज कारक और उसकी परिभाषा फिर उसके भेद में करवाने जा रही हूँ। हिंदी में आज हम व्याकरण भाग में क्या करेंगे, कारक देखेंगे। कारक किसे कहते हैं, पहले ये हम जानेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो। ठीक है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम, आप तो जानते हैं संज्ञा नेमिंग वर्ड्स, या सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में हम प्रयुक्त करते हैं, उनके जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इन दो परिभाषाओं का अर्थ ये हुआ कि जब संज्ञा सर्वनाम के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं, तभी उनका रूप क्या होता है, कारक कहलाता है। इन्हें संज्ञा सर्वनाम की क्या है, उनके आगे जब कारक चिन्ह जो है, इन्हें विभक्ति चिन्ह भी हम कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह, जैसे कि राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, रोटी कौन खा रहा है, राम, तो राम वहां पर क्या है, करता है, तो राम ने रोटी खाई। इस तरह से एक उदाहरण में बता रही हूँ, आगे मैं विस्तार से एक एक करके बताती जाऊंगी। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है, तभी उनका रूप क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, यानी तभी वो वाक्य के, वाक्य सेंटेंस जो होता है उसके अन्य शब्दों के साथ संबंध रखने योग पद होते हैं, और पद के अवस्था में ही वे वाक्य दूसरे शब्दों से, क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पे लिंक इस तरह का होता है बच्चों, के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध रखने योग क्या होते हैं, पद हो जाते हैं वो, और पद के अवस्था में ही वे वाक्य दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। ने, को, से आदि क्या हैं, ये विभक्तियां हैं, विभक्ति चिन्ह विभिन्न कारकों की है, और इनके लगने पर ही कोई शब्द क्या है, कारक पद बन पाता है। इन्हें विभक्ति के बिना कोई भी पद क्या है, अधूरा है। तो इस तरह से हम एक उदाहरण भी मैं एक एक करके बताती जाऊंगी। इस तरह से हिंदी में कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं, और कारकों के बोध के लिए, उनके बोध के लिए, उनकी स्टडी के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाया जाता है, जो प्रत्यय चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें व्याकरण में क्या है, विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, यानी कि कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं, यानी कि कारक चिन्हों को विभक्तियां कहते हैं, कुछ लोग उन्हें परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को, यानी इन विभक्ति लगे हुए शब्द रूप को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, मैं अब उसकी
परिभाषा देखती जाऊंगी। सबसे पहले आपको कारक उसके विभक्ति चिन्ह जो आठ हैं उसको आप उसे आपको याद करना क्या है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आठ कारक कौन से हैं, वो कर्ता, कर्म, करण, संबोधन, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, फिर संबोधन, यानी कर्ता ने, कर्ता करने वाला जो होता है उसका उसके आगे विभक्ति चिन्ह ने, कर्मा को, यानी कर्म कारक के आगे विभक्ति चिन्ह को, मैंने उस लड़के को, मैंने उसको रोटी दी, इन्हें संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो भी विभक्ति चिन्ह लगे जाते हैं। करण कारक उसका विभक्ति चिन्ह है के से, के द्वारा, द्वारा, फिर संप्रदान कारक को, के लिए, अपादान कारक में भी विभक्ति चिन्ह उसका भी क्या है से है, फिर संबंध कारक संबंध बताने वाले का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये आदि आते हैं, फिर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पर, फिर संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी, ओहो। तो हम जानेंगे सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊंगी उसकी परिभाषा लिखवाऊंगी, ध्यान से देखिएगा और इसे आपको याद करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको कारक की परिभाषा और उसके भेद समझाऊंगी। कारक की परिभाषा अथवा कारक किसे कहते हैं, इन्हें संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा हो या सर्वनाम, नाउन और प्रनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ वाक्य में आए, वाक्य वाक्य के अन्य यानी दूसरे शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उनका संबंध, उनका क्या संबंध है, कर्ता ने, कर्मा को, करण से, इस सारे के शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, कारक किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, या अन्य शब्दों के यानी कि अन्य शब्द यानी क्रिया के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। इन्हें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका, जिस रूप से उनका क्या है, अन्य शब्द यानी क्रिया के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ये रही कारक की परिभाषा। अब हम देखेंगे, अब हम जानेंगे कि कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। हिंदी में कारक कितने हैं, आठ होते हैं। हिंदी में कारक आठ होते हैं, आठ हैं। में कारक, फिर उसके चिन्ह क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं, अथवा कुछ लोगों ने क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, कुछ लोगों ने परसर्ग भी कहते हैं। यानी कि कारक, कारक में सबसे पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक तो उसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता ने, यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तभी उनका रूप कारक कहलाता है। कर्ता ने, कर्म कारक
कर्म कारक, कर्म यानी काम का, कर्मा को करण कारक, करण से के द्वारा या द्वारा किसी साधन के द्वारा की जाने वाली चीज करण कारक। कर्ता ने कर्मा को करण से के द्वारा और संप्रदान संप्रदान को के लिए, जैसे कि आपने इसको रख लिया तो आप आसानी से हर कारक और उसकी विभक्ति चिन्हों को कहीं भी हो पहचान पाएंगे। ने कर्ता ने कर्मकारक को कर्ण कारक से के द्वारा, द्वारा यानी संप्रदान कारक को के लिए। फिर अन्य चार इधर लिखाऊंगी मैं, अपादान, अपादान कारक उसका विभक्ति चिन्ह है, उसका भी विभक्ति चिन्ह है से, लेकिन यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, यानी मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताऊंगी। संबंध, संबंध, संबंध कारक का उसका, ये उसका है, ये इसकी है, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने आदि। फिर आता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक उसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। फिर आठवां है संबोधन कारक, संबोधन का है, अरे अजी, अजी सुनते हो, ओहो, ये सारे क्या है संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको जानना जरूरी है क्या है ये आठ कारक और उसके ये प्रत्यय यानी कि उसके विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कुछ लोगों ने परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे अजी। इनके यहाँ पर ये रहे कारक, आठ कारक और उसके प्रत्यय यानी विभक्ति चिन्ह। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि कर्ता कारक क्या होता है। ठीक है, कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द काम करने के, काम करने वाले के अर्थ में हो, शब्द में यानी कि वाक्य में जो शब्द, वाक्य में जो शब्द कर्ता यानी काम करने वाले के अर्थ में हो उसे कर्ता कहते हैं। यानी कि कर्ता यानी करने वाला, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक क्या है, केवल अपूर्ण भूत को, अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष पांच भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। यानी कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम लेंगे कारक और उसकी परिभाषाएं। कर्ता, कर्ता कारक और उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, उसका विभक्ति चिन्ह ने। इन पर क्या है, वाक्य में, वाक्य में, वाक्य शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, सार्थक समूह। वाक्य में जो शब्द, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में हो, काम करने वाले के अर्थ में हो,
उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष पांच भूतकालों में भी उसे ने का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोहन खाता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण मोहन खाता है। ठीक है, यहाँ पर अपूर्ण भूत को छोड़कर सारे पांच भूतकालों में ने का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पर राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ने राम मोहन खाता है, मोहन खाता है में कौन सा शब्द, कौन सा यहाँ पे लुप्त हुआ है, कौन सा शब्द यहाँ पे गायब हुआ है? यहाँ पर मोहन कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, ने जो है यहाँ पर लुप्त है, हम नहीं देख पाते। राम खाएगा वाक्य में जो जो शब्द काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर वाक्य में जो काम करता है मोहन खाता है, कौन खाता है? मोहन। तो इसके आसान से एक पहचान भी मैं कराऊंगी कि आपको उसकी कैसी पहचान हो पाएगी कि ये कर्ता कारक है। इन्हें यहाँ पर वर्तमान और भविष्य कालों की क्रियाओं में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, इन्हें वर्तमान और भविष्य कालों की क्रियाओं में। अब यहाँ पर क्या है? मोहन खाता है जो है ये क्या रहा? वर्तमान रहा, इसलिए वर्तमान और भविष्य कालों में, वर्तमान और भविष्य कालों में क्या है? क्रियाओं में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। राम ने रोटी खाई, ऑलरेडी ये खा चुका है, तो इस कारण यहाँ पर ने। मैंने कहा था कि यहाँ पर अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष पांच भूतकालों में ने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ने का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता? वर्तमान और भविष्य कालों की क्रियाओं में, जैसे कि राम जाता है, कौन जाता है जो है क्या है? वर्तमान स्थिति में क्रिया के साथ जो वर्तमान काल दिखाता है उसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या है? ने लुप्त है। राम जाता है में क्या है? ने लुप्त है। मोहन खाता है में भी ने लुप्त है, क्योंकि वो वर्तमान काल में है। अब यहाँ पर एक इजी पहचान आपके लिए क्या है? जहाँ भी जिस वाक्य में कौन लगा हो, जहाँ पर भी जिस वाक्य में कौन लगा हो, कौन, कौन जाता है, कौन खाता है, तो यहाँ पर हमें जब उत्तर मिल जाता है मोहन खाता है, कौन जाता है? राम जाता है। तो इससे कौन शब्द से जो हमें उत्तर मिलता है उसे हम समझ जाएंगे कि ये कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं कर्म कारक की ओर। कर्म किसे कहते हैं? कर्म, कर्म यानी काम, कर्ता यानी करने वाला, कर्म यानी काम। इन्हें वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का जो फल है, क्रिया, क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड है ना, जो कुछ भी काम किया जाता है उस क्रिया का फल संज्ञा शब्द पर पड़ता है। इन्हें क्रिया का फल किस पर पड़ता है? संज्ञा शब्द पर पड़ता है, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? को, कर्मा को। यानी कि मैंने हरि को बुलाया, मैंने हरि को बुलाया, माने बच्चे को सुलाया। यहाँ पर क्या है? क्रिया का फल किस पर पड़ता है? संज्ञा शब्द पर पड़ता है। क्रिया का फल बुलाया, सुलाया, ये जो है क्रिया, उसका फल जो है संज्ञा पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को। पूरा एक एक करके ये आठ कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह जानना आपके लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है।
आप इसको नोट कर सकते हो। कर्ता ने कर्मा को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध, उसका संबंध बताने वाला का, की, के, अधिकरण में पर संबोधन क्या है, हे, अरे, अजी। अब हम देखे हैं कर्ता कारक की परिभाषा, उसके विभक्ति चिन्ह और उसके कुछ उदाहरण। अब मैं देने जा रही हूँ दूसरा कारक, कर्मा कारक। कर्मकारक में क्या है, वाक्य में क्या होता है, क्रिया का फल किस पर होता है, क्रिया का फल यानी क्रिया का अंजाम संज्ञा शब्द पर पड़ता है। संज्ञा शब्द पर पड़ता है, यानी वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति कौन सी है, इसकी विभक्ति कर्मा को, इसी व्यक्ति को है, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण देती जाऊंगी मैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका उदाहरण है, मैंने हरी को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, राम ने रावण को मारा। कभी कभी क्या होता है, ये अपने परसर्ग के बिना भी आती है, यानी कि अब हमने देखा मैंने हरि को बुलाया, कर्मकारक को उसका विभक्ति चिन्ह है, मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, लेकिन यहाँ पर राम ने रावण को मारा। कभी कभी क्या होता है, ये अपने परसर्ग यानी इसकी विभक्ति चिन्ह के बिना भी ये आ जाते हैं, जैसे कि सीता फल खाती है, यानी कि क्या है, वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा शब्द पर पड़ता है, यानी इसकी भी एक क्या है, पहचान है। हमने कर्ता कारक में देखा कौन शब्द के प्रश्न के ऊपर जो उत्तर हमें मिल पाता है वो क्या है, कर्ता कारक की पहचान हो गई। अब कर्म कारक में किसे ये प्रश्न के उत्तर मिले, वहां पर क्या है, कर्म कारक होता है, यानी कि परसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं, क्या यानी कि परसर्ग के बिना जो यहाँ पे वाक्य आते हैं उसमें क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं, क्या का जो उत्तर मिलता है हमें वहाँ पर क्या है, क्रिया का कर्म होता है, यानी कि क्या का जो उत्तर मिलता है वहाँ क्रिया का कर्म होता है। सीता फल खाती है, राम रोटी खाता है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ क्या करे, बच्चे को सुला रही है। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर क्या है, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ये अपने परिसर्ग, यहाँ अपने परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह के बिना, को के बिना भी वाक्य बन जाता है, परसर्ग के बिना भी आता है, बिना यानी विदाउट विभक्ति चिन्ह, परसर्ग के बिना भी आता है। अभी बताऊंगी, जैसे सीता फल
खाती है। यहाँ पर को है, लेकिन यहाँ पर को नहीं है। परिसर्ग रहित यानी परिसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक के साथ क्या है, क्या जोड़कर प्रश्न बनने से, क्या प्रश्न के ऊपर उत्तर मिलता है, तो क्या प्रश्न के ऊपर जो उत्तर मिलता है वहां पर क्या होता है, कर्म होता है, कर्म कारक, यानी कि वह क्रिया का कर्म होता है। क्रिया का कर्म यही आपकी पहचान है, क्रिया का कर्म, यानी कि सीता फल खाती है। यहाँ पर क्या है, वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का फल क्या होता है, संज्ञा शब्द पर पड़ता है। कभी कभी उसका विभक्ति क्या है, लुप्त हो जाती है, जैसे कि सीता फल खाती है, राम रोटी खाता है ना। यहाँ पर क्या है, क्रिया का कर्म होता है, यानी यहाँ पर किसे किसको प्रश्न पूछने पर आपको जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कारक कहते हैं, किसे किसको, किसे सुला रही है, किसको बुलाया। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या है, कर्म कारक में वाक्य में, यानी कि वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा शब्द पर पड़ता है और इसकी विभक्ति को है। मैंने दो उदाहरण दिए हैं, कभी कभी यह अपने परिसर्ग के बिना भी क्या है, वाक्य बन जाता है, जैसे सीता फल खाती है, राम रोटी खाता है, और इस तरह के वाक्य में क्या प्रश्न के पूछे जाने पर उत्तर मिलता है वहाँ पर क्या होता है, क्रिया का कर्म होता है। अब हम चलते हैं कर्ण कारक, जिससे काम हो या जिसके द्वारा काम हो, जिससे हमें जिससे भी काम हो या जिसके द्वारा, जिस किसी भी साधन के द्वारा काम हो, यानी कि उसे क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं, यानी कि जिससे काम हो, जिसको जो कोई चीज से हमें काम होता है वहां पर क्या होता है, कर्ण कारक होता है, और उसकी विभक्ति क्या है, से के द्वारा, द्वारा के जरिए, के साथ, उसके बिना इत्यादि वहां पर क्या है, आपको वाक्य में मैं आपको इसकी परिभाषा और लिखवाती जाऊंगी, ले लीजिएगा। कर्ण कारक की पहचान करा रही हूं मैं। तीसरा है कर्ण कारक, और कर्ण कारक का विभक्ति क्या है, से है, यहाँ पर भी से है, आपको ध्यान से सुनना है कि वाक्य की क्रिया का फल, वाक्य की कर्ण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से के द्वारा, द्वारा के जरिए, के बिना, के साथ इत्यादि है, यानी कि कर्ण कारक, कर्ण का अर्थ है, कर्ण का क्या अर्थ है, कर्ण का अर्थ ही है साधन, साधन, कर्ण का अर्थ क्या है, साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा, यानी कि जिस किसी चीज के द्वारा क्रिया की जाती है, यानी जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं।
करण कारक किसे कहते हैं, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है, इन्हें जो काम किया जाता है जिस किसी साधन के द्वारा, जैसे कि मैं साइकिल से बाजार गया, यानी कि किससे से बाजार जाया जा रहा है, यहाँ पर साधन कौन सा है, साइकिल। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं, यहाँ पर साधन क्या है, ईमेल, ईमेल द्वारा इन्हें साइकिल से बाजार गया। इस तरह से क्या है, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है, इनके साइकिल से जाना, ईमेल के द्वारा भेजना, इसे भी क्या है, क्रिया है। जिस साधन द्वारा अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है, करण कारक की विभक्तियां से, के द्वारा, द्वारा आदि हैं। इनके उदाहरण यहाँ पे बता रही हूँ, मैं साइकिल से बाजार गया, मैं साइकिल से बाजार गया, बाजार जाना, यहाँ पर जिस साधन से साइकिल से बाजार, मैं साइकिल से बाजार गया, इन्हें यहाँ पर क्या है, साधन क्या है, साइकिल। मैं यानी कि सर्वनाम, जो साधन है साइकिल है, मैं साइकिल से बाजार गया, बाजार जाना क्या है, वो एक क्रिया है, और किसके द्वारा, किसी साधन के द्वारा, यानी साइकिल से बाजार जाया जा रहा है। दूसरा है, आजकल आजकल क्या है, ईमेल के द्वारा भी, ईमेल के द्वारा भी ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं, ईमेल के द्वारा भी क्या है, ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। भेजे जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है, वाक्य में जाने का, यानी कि वाक्य में, पहले वाक्य में जाने का, बाजार गया, जाने का साधन क्या है, साइकिल है ना, वाक्य में जाने का साइकिल तथा भेजने का साधन क्या है, भेजे जाते हैं, समाचार भेजे जाते हैं, समाचार भेजना किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा। इन्हें पर यहाँ पर क्या है, भेजने का साधन ईमेल है, अतः ये पद क्या कहलाते हैं, करण कारक कहलाते हैं। इन्हें कौन सा साधन है, पहले वाक्य में साइकिल, दूसरा ईमेल के द्वारा, यहाँ पर क्या है, वाक्य में जाने का, वाक्य में क्या है, जाने का साइकिल तथा भेजने का साधन ईमेल द्वारा, अतः ये पद क्या है, करण कारक कहलाते हैं। यानी कि करण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करते हैं, किससे, यह व्यक्ति किससे बाजार गया, जो उत्तर हमें आता है वो क्या है, करण कारक होता है। किससे, किसके द्वारा भेजा गया, किससे वो बाजार गया, किससे, यानी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, यहाँ हमने देखा कर्ता में कौन, कर्म में
क्या जोड़ने से फिर इसकी पहचान क्या है, करणकारक की पहचान। करणकारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर, किससे लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर आता है क्या कहलाता है, यह करणकारक होता है। यहाँ करणकारक होता है। ठीक है बच्चों, ने कर्णकारक की परिभाषा और रही उसके उदाहरण देख सकते होंगे ना, कर्णकारक होता है। ये रहे कर्णकारक की परिभाषा, उसके विभक्ति चिन्ह, उसके उदाहरण और उसकी पहचान। आशा करती हूँ आपको ये तीनों कारक अभी जो मैंने बतलाए हैं, उसकी परिभाषाएं, उसके उदाहरण और उसकी पहचान किसके ज़्यादा थी, ये आपके लिए आसान पहचान होगी कि कैसे आप उसको पहचान पाओगी। क्योंकि कुछ वाक्य में क्या होता है, जो परिसर्ग लगे होते हैं वो कभी कभी लुप्त हो जाते हैं, और वो किस कारण कैसे होते हैं ये सब हमने आज की कक्षा में जाना, बाकी का शेष भाग अगली कक्षा में। धन्यवाद।